आइडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन आजमगढ़ की बैठक में जिला कमेटी की घोषणा। संजय पांडे प्रदेश संरक्षक, अब्दुल बसर आजमी जिला संरक्षक आजमगढ़, अजय मिश्रा जिला अध्यक्ष। जनाब अब्दुल बसर साहब जो हम लोग के गार्जियन हैं, उनकी सदारत में बैठक हुई है और बैठक में जिला कार्यकारिणी का भी गठन किया गया है, जिसमें जिला अध्यक्ष के कार्यकाल को लेकर भी चर्चा हुई है। अभी पूर्व में अध्यक्ष जी ने बताया है और तहसील अध्यक्ष की भी घोषणा की गई है और तमाम ऐसे जो पत्रकारों पे उत्पीड़न हो रहे हैं उसके संबंध में भी चर्चा की गई है। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस नए वर्ष में जो हमारा आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन का गठन जो है बड़ी ही मजबूती से ब्लॉक लेवल तहसील लेवल पर किया गया है। मैं सबसे कहना चाहूंगा कि हमारा संगठन तहसील ब्लॉक पर इतना मजबूत हो कि अगर किसी पत्रकार पर कोई हमला हो रहा है, उसके साथ कोई अन्याय हो रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो पूरा पत्रकार समुदाय आरडीएल जो है उसके विरोध में जो है लामबंद होकर संघर्ष करने के लिए तैयार रहे। मैं अपने हमारे बीच में तमाम साथी, हमारे सर्वेश जी, हमारे बड़े भाई रोशन जी, मकसूद साहब, ध्यानचंद जी, हमारे जो है राजभर साहब, तमाम ऐसे हमारे आईडीएल के जो जुड़े हुए प्राधिकारी हैं, सबको मैं नव वर्ष की शुभकामना देता हूं। अब उम्मीद करता हूं कि इस नए वर्ष में हमारा आईडीएल जर्नलिस्ट एसोसिएशन एक मजबूत संगठन बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बारी को विराम देता हूं। आयोजन हुआ है, इस संबंध में थोड़ी जानकारी बताऊं। मैं नए वर्ष के सबको शुभकामना देते हुए ये कहना मुझे है कि आज आइडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन का आजमगढ़ का गठन हुआ है, जिसमें कमेटी गठित की गई है और सभी पदाधिकारियों को नाम चिन्हित करके उनको पद घोषणा की गई है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय संरक्षक संजय भाई और अध्यक्ष जी और जो ब्लॉक के जो जितने जिले के ब्लॉक के संगठन के अध्यक्ष हैं उन लोगों की उपस्थिति में सब लोगों ने निर्णय लेके आज इस गठन को पूर्ण रूप दे दिया है और नए साल से आइडियल जर्नलिस्ट अपनी एक नई रूपरेखा लेकर संगठन को मजबूत करने का काम करेगी और एक नई दिशा देगी जो पत्रकारों की उत्पीड़न और अन्य समस्याओं के बारे में हर तरह के सहयोग के लिए खड़ी रहेगी। मुझे आशा यही है। ठीक है, बैठक हुई है आपकी निर्देशन में, तो इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया है उस संबंध में बताऊंगा। आज हमारे आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष बड़े भाई संजय कुमार पांडे जी, हमारे मंडल अध्यक्ष श्री रोशन लाल जी, हमारे जिले के संरक्षक और हमारे चाचा जी अबुल बसर आजमी साहब की उपस्थिति में हमारे सभी तहसील के संरक्षक और तहसील के जो हमारे अध्यक्ष हैं सारे लोगों की उपस्थिति में संगठन जिला कार्यकारी की घोषणा की गई है और संगठन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो जिला अध्यक्ष का कार्यकाल होगा, जो जिला कार्य समिति का कार्यकाल होगा वह 3 वर्ष होगा और जिला अध्यक्ष हमारा उसका पीरियड होगा मैक्सिमम 2 बार, 2 पीरियड होगा, 2 पीरियड के बाद वह जिला अध्यक्ष का पद उसके लिए नहीं रह जाएगा। सरसम्मत से यह भी निर्णय लिया गया कि मेन नगर की जो हमारी कार्यकारिणी है उसके तहसील अध्यक्ष हमारे ब्रिजभूषण रजक जी रहेंगे और वहां पे संरक्षक की भी घोषणा की गई है, हमारे जो संरक्षक हैं गोरख राजभर जी। दूसरा, हमारे लालगंज तहसील का गठन हुआ है जिसमें दीपक सिंह को तहसील अध्यक्ष बनाया गया है लालगंज का। तो मैं अपने सभी जो समस्त पदाधिकारी हैं, जो हमारे समस्त तहसील के तहसील अध्यक्ष आए हुए हैं, मैं सबका आभार प्रकट करता हूं कि आज इस मौसम में भी वह आकर अपना अमूल्य समय दिए, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही अपने सभी पदाधिकारियों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि वह एक जिला कार्यकारिणी को, हमारे आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन को इस नए वर्ष में बहुत ही मजबूती के साथ आगे ले जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात